जिंदगी में कुछ खास सपने ऐसे होते हैं, जब आपके पास ज़्यादा पैसा होता है वो आपके पास आके ऐसे बताते हैं, ऐसे जताते हैं, ऐसे दिखाते हैं, मानो वो आपके लिए सब कुछ है, आप उनके लिए सब कुछ है। वो बहुत ज़्यादा मतलब ड्रामा करते हैं। जब आपके पास पैसा नहीं होता, वही बताने वाले जताने वाले फर्स्ट आपको किक मार के जिंदगी के निकल के फेंक देते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। वही हुआ था मेरे साथ में। बोलती शादी के तुरंत बाद मेरे हस्बैंड के घर वाले उनके ऊपर फोर्स डालने लगे, मतलब जब रिजाइन करो, क्योंकि उनको मालूम था वो उसको बहू को तो छोड़ने वाले है नहीं, नौकरानी चली जाएगी तो घर कौन देखेगा, और बेटा बीवी को छोड़ के कितना साल बाहर रह सकता है। इसलिए वो बार बार फोर्स करते जब रिजाइन करो, जब रिजाइन करो, जब रिजाइन करके खेती वगैरह दे। मेरा तो ये बात सुन के होश ही उड़ गई। ऐसे मैंने कितना भी समझाने की कोशिश की, लेकिन फाइनल उनको कामयाब मिल गई। मेरे हस्बैंड जॉब रिजाइन कर दिए। करने के बाद दो दिन हुआ नहीं, उनके घर वाले के साथ उनका झगड़ा स्टार्ट हुआ, पैसा को लेके, खाने पीने को लेके। ऐसे करते करते कुछ दिन टिका नहीं, वो हर छोटे छोटे बात के लिए हमको सेपरेट कर देते थे। हमारे रुपये पास एक रुपये भी नहीं होते थे, तब खाने के लिए भी नहीं था। मेरे हस्बैंड क्या करते थे, वो मांग के किसी गांव से थोड़ा साग वगैरह लेके आते थे। जो ड्रमस्टिक आता है ना, वो हाइब्रिड वाला, वो उसके पत्ते बहुत कड़वी होती है, उनका एक ट्री है ऐसा, वो पत्ते भी हमको खाने नहीं देते थे। मतलब ऐसे सूखे गिर के नीचे गिरता था, लेकिन वो हाथ भी लगाने नहीं देते थे। कुछ उनको मिट्टी में कुछ सब्जी वगैरह उगाने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी लगाने नहीं देते थे। बहुत गालियाँ देते थे, मतलब तेरे बाप ने दिया, तेरा भाई ने दिया, जमीन तेरे बाप का है, ऐसे ऐसे गालियाँ देते थे, मतलब मैं नहीं बोल सकती। उसके बाद क्या, हमारा तकलीफ मतलब बढ़ते चला गया, बहुत कंडीशन ख़राब हो गया हमारा, हमको खाने पीने को भी नहीं मिला। वो ऐसे क्या किया, हम एक ही रूम में रहते थे, वो करंट के लिए भी गाली देते थे, मतलब यूज करने नहीं देते थे, लेकिन हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। टॉयलेट यूज करते थे तो गाली देते थे। हम एक ही रूम में सारे सामान रखे हुए थे, उसके अंदर मेरे टी पॉय के ऊपर मैंने खाना बनाती थी, मतलब वो इंडक्शन चूल्हा के ऊपर। मैं सुबह से उधर ही रहती थी, एक बार टॉयलेट जाती थी छुप के जब कोई नहीं होता था, तो एक बार शाम को जाती थी जब कोई नहीं होता था। तब भी जब भी मुझे देखते थे ऐसे हंसते थे, ऐसे रिएक्ट करते थे, मानो मैंने कुछ बहुत बड़ा गलत कर लिया। मुझे बहुत शर्म आ रहा था उनकी हंसी पर, बहुत डर भी लग रहा था। 24 आवर वो गाली दे रहे थे, उधर मतलब जीना मुश्किल हो रहा था। मेरे छोटे भाई ने बोला कि मैं, तुम टेंशन मत लो, मैं वीकली वीकली भेज देती हूँ गाड़ी में सारे सामान, भैया को बोलो उधर से आके पिक कर लेंगे, आराम से रहना। मैं बोली हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, वो हाँ बोलेंगे तो ठीक है भेजो, नहीं तो रहने दो। मैंने हस्बैंड से पूछा, वो बोले नहीं मेरा प्रेस्टीज चला जाएगा, ससुराल से सामान आएगा, मैं इधर से मतलब ये मुझे सेट नहीं होगा, तुम मना कर दो। फिर मैंने मना कर दी। ऐसे करते करते मतलब हमारे लिए हाथ से सब कुछ निकल गया, हम कंट्रोल ही नहीं कर पाए। एक दिन उनका फ्रेंड आए, आने के बाद वो बोले हमारे साथ चलो, हमारे सेम डिस्ट्रिक्ट था, बोले हमारे साथ चलो, हस्बैंड को बोले हमारे साथ चलो, मैं तुमको जॉब दिला देता हूँ, वो 20-30 हज़ार तुमको मिनिमम मिल जाएगा महीना का। हमारा तो जान के अंदर जान आ गई, चलो भगवान ने हमारे सुन ली, अब तो दुख दूर होने वाला है, हम ऐसे सोच रहे थे। ये फाइनली वो दिन आया, मेरे हस्बैंड सज धज के गए इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो सब लोग है ना खुद का प्रॉफिट देखते हैं, वो झूठ बोल रहा था। वो नेटवर्क के बिजनेस है ना, उसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए वो बोल रहा था, लेकिन वो हमको खुल के नहीं बोला। उधर जाने के बाद हम बहुत मुश्किल से पैसा जुटा के उधर गए मेरे हस्बैंड, जाने के बाद उधर मालूम पड़ा वो झूठ बोल रहा था, उसका मकसद कुछ और ही था। फिर वो शाम हो गया, उधर से मेरे हस्बैंड, मैंने दिन भर प्रेयर करती भगवान को, आज तो खुशखबर दे दो भगवान, वो बस शाम को फ़ोन किए, वो ऐसे ऐसे हैं नौकरी वगैरह कुछ हैं, वो ऐसे ही बोल रहा है। फिर मेरा मतलब मन ही मन टूट गया मेरा। फिर भी बोले मैं जा रहा हूँ घर में, ठीक है आ जाओ। वो बाइक लेके गए थे, आने के बाद घर, वो रात हो गया था ज़्यादा, आने के घर और 15 किलोमीटर है, उनका गाड़ी में तेल ख़त्म हो गया, रात तब 11:30 हो गया था। वो मुझे फ़ोन करने लगे, मतलब ऐसे ख़त्म हो गया है, रोड फुल सुनसान है, मुझे डर लग रहा है। वो बहुत डरते थे अंधेरे में, अंधेरे को बहुत डरते हैं भूत, वो उनको बहुत डरता है भूत प्रेत, उनको बहुत मन डरे। वो मैं बोली कोई बात नहीं, आप ऐसे बात करके के आओ, कोई लोग तो आते जाते होंगे। बोले नहीं अभी सुनसान हो गया है, कोई नहीं आ जा नहीं रहा है,
अभी मैं अकेला हूँ। बोले ठीक है आ जाओ, कुछ नहीं होगा। इसे बात करते करते वो आए। आने के बाद वो उनका मोबाइल में चार्ज ख़त्म होने वाला था। बोले अभी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। अभी तो थोड़ा डर कम लग रहा था, लेकिन स्विच ऑफ हो जाएगा तो और ज़्यादा डर लगेगा। तुम एक काम करो, जाके चाचा के घर के जाओ, जाके उनको उनका बेटा को बुलाओ, वो हमारे गांव को मेन रोड को आएगा, उधर मुझे ज़्यादा डर लगता है। वो आने के बाद हम दोनों साथ में चलेंगे। तब रात को 12 बज गया था। मैं बोली ये मुझे मालूम है तुम्हारे जैसा उनके घर वाले भी हैं, वो ज़्यादा डरपोक है, वो कभी नहीं जाएंगे। एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, उनको जाऊँगी उठाऊँगी पता नहीं उठेंगे नहीं उठेंगे, फिर जाएंगे नहीं जाएंगे, फिर तुम उधर फंस जाओगे। मैं एक काम करती हूँ, मुझे रोड मालूम है, एक ही रोड है, मैं दौड़ के जाती हूँ आपके पास, आप डरो मत। तो बोले नहीं नहीं तुम अकेले नहीं आना, वो कुछ हो सकता है, तुम उनको जाकर उठाओ। मैं बोली ये पॉसिबल नहीं है, वो नहीं उठेंगे नहीं जाएंगे। फिर मैंने किया, मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल था, मेरा भी चार्ज ख़त्म होने वाला था इत्तेफाक से, मैं उसको लेके डोर क्लोज करके दौड़ी। मुझे रोड मालूम था, एक ही रोड था, वो उनके घर से वो रोड 3 किलोमीटर का दूरी था। मैं आइडिया लगाई वो उतना दूर पर है, 3 किलोमीटर में जब पहुँच जाऊँगी उससे, वो उधर जब पहुँचे उससे पहले मैं वो रोड के पास पहुँच जाऊँगी। मैं मोबाइल ला के भागने लगी। वो आधे रोड में उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, मेरा तो थोड़ा चार्ज था लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, अब कॉन्टैक्ट सब कुछ ख़त्म हो चुका था। उनके बाद उसके बाद क्या हुआ, मैंने नोटिस किया बीचों बीच रोड में मैं पहुंच गई थी, और थोड़े देर में आधा रोड में मतलब डेढ़ किलोमीटर में पहुँच गई थी। मैंने उधर देखा है कि आदमी, कितना आदमी थे मुझे मालूम नहीं था, वो एक बाइक आ रहा था पीछे से। मैंने जब बाइक को देखा तो पहली बार मुझे लगा मैं खुद के लिए, खुद की जान के लिए मैं थोड़ा डर लगा, मतलब खुद के लिए मैं खुद ही परेशान की वजह बन सकती हूँ। फिर वो गाड़ी धीरे धीरे करके मेरे सामने आके रुक गया मेरे साइड में। मैं क्या करूँ क्या करूँ, भगवान का नाम ले रही थी, मुझे बचा लो भगवान बचा लो, पता नहीं कौन है कैसा आदमी है, या तो उनका कोई गांव वाला होगा तो यही सोचेगा ये किसके साथ भाग रही है, किधर जा रही है पता नहीं, या तो गुस्से से घर छोड़ के जा रही है कुछ सोच रहा होगा, या तो कोई गलत इंसान होगा तो फ़ायदा भी उठा सकता है, वो वक्त का फ़ायदा भी उठा सकता है। ऐसे में सोच रही कि डर रही थी, भगवान का नाम ले रही थी। मेरे दिमाग में क्या आइडिया आया कि मैं चलो बात करती हूँ झूठे मूठे। इसके बाद मैंने किया गया ऐसे ही, जैसे मेरे वो गाड़ी रखा मेरे पास, मैंने तुरंत झूठ मूठ के फोन के इधर लगा के बात करने स्टार्ट किया, आप इधर आके पहुँच गए, मुझे वो आप मुझे देख लिया क्या, मैं तो आपको देख नहीं पा रही हूँ। अच्छा देख लिया, अच्छा किधर है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अब तो फिर फ़ोन की करो, जब देख लिया तो फ़ोन काट दो। मैंने ऐसे ही जैसे बड़ा आवाज़ करके बोलने लगी, वो क्या किया वो तुरंत गाड़ी लेके स्पीड में भाग गया। उसके बाद मैं थोड़ा जान में जान आया, चलो ठीक है ये मतलब आइडिया थोड़ा काम आ गया। उसके बाद फिर मैं दौड़ने लगी अंधेरे में, दौड़ दौड़ के मेरे हस्बैंड के पास आके पहुँच गए। तब वो बही रोड पर आगे पहुँच गए थे, जस्ट जस्ट आके टच कर रहे थे, मैं जाकर पहुँच गई। उसके बाद मैं सारे हकीकत उनको बताई, उसके बाद धीरे धीरे हम आने लगे घर को। उस रात जो डर था वो मैं कभी नहीं भूलूँगी, जो मैंने निभाया था वो दिल से निभाया था, चाहे किसी को कामी मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो मैंने कुछ नहीं देखा था। जिनको प्रॉफिट नहीं हुआ वो लोग भूल गए, लेकिन मैं जो निभाई थी वो दिल से निभाई थी, इसलिए आज तक याद है मुझे, और जब तक जिंदा रहूँगी वो मुझे याद ही रहेगी।